गाइस कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो गाइस दैट एवरीवन आर फाइन गाइस। एंड दोस्तों ना लेकर आ चुका हूं आपके लिए गियो एक और नई एंड स्पेशल वीडियो दोस्तों। एंड दोस्तों आज की इस वाली वीडियो में गाइस हम लोग खेलने जा रहे हैं गाइस फ्री फायर। और भाई साहब आज की ये वाली वीडियो भाई यार इवेल मैन की स्टोरी हम लोग जानने वाली है। आखिर यार इवेल मैन एक अच्छी नन से क्यों भाई आज वो हम लोगों को हमारे सर पे हथौड़े मार मार के हम लोगों को सता रही है। और भाई आजकल जो भी इसके स्कूल में आता है वो हमेशा फंस जाता है भाई। और इसने जितने भी बच्चे किडनैप किया है वो कैसे किया है इसने दोस्तों आज मैं वो सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ दोस्तों। और भाई साहब आज की वाली वीडियो दोस्तों यार का और भाई इस स्कूल में जो और भी नंस थी आखिर वो कहाँ गई ठीक है। और भाई साहब आज हम लोग दोस्तों इसी ये स्टोरी में यही जानने जा रहे हैं दोस्तों। और भाई ठीक है तो यार फटाफट से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सो दोस्तों स्टोरी स्टार्ट होती है यार एक हस्बैंड वाइफ थे ठीक है। और वो जो हस्बैंड वाइफ थे ना वो दोनों हस्बैंड वाइफ का एक लड़की हुई ठीक है। और वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं थी यार। वो जो लड़की थी ना उसके हाथ पर ना डेविल का एक निशान बना हुआ था भाई। आप लोग डेविल का निशान समझ ही गए होंगे जिसकी आज ये नन पूजा करती है जो कि नीचे आप आग जलता हुआ देख पा रहे हैं इस वक्त। हाँ नन इसी की पूजा करती है यहीं पे डेविल की पूजा करती है। जो लोग बहुत सालों से ये नन का गेम खेल रहे हैं उन लोगों को पता ही होगा कि भाई इसमें क्या होता है ठीक है। और वो किसकी पूजा करती है ठीक है। और भाई साहब तुम लोगों को पता ही और भाई और तो ना वो लोग क्या करते हैं उस लड़की वो ना बहुत ज़्यादा उनका जब से वो लड़की आई थी तब से यार उनको काफ़ी ज़्यादा टेंशन होने लगा था यार। तो उसकी वजह से ना उन लोगों ने क्या किया उस लड़की को ना एक स्कूल में छोड़ दिया भाई। अब स्कूल जिस स्कूल में अभी हम लोग हैं वो तो आपको पता ही है कौन सा स्कूल होगा ठीक है। और वो स्कूल का नाम होता है दोस्तों ईगल्स जूनियर हाई स्कूल ठीक है। ईगल्स जूनियर हाई स्कूल ठीक है यही होता है स्कूल का नाम। यहाँ पर स्कूल का था ना यहाँ पर नाम लिखा रहता था इसका पोस्टर वो रहा। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो ईगल्स जूनियर हाई स्कूल ठीक है। और बाकी अगर मैं यहाँ से नेल से भी ऑन करता हूँ आपको बाहर भी दिखा देता हूँ बाहर का सीन। बाहर भी इसके गेट के जहाँ से हम लोग एग्जिट होते हैं मतलब जहाँ से हमारा गेम ख़त्म होता है ठीक है वहाँ पर भी आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर भी लिखा हुआ है ईगल्स जूनियर हाई स्कूल ठीक है। तो भाई इसी तरह से होता है ठीक है। अब भाई वो जो नंस होती है ना दोस्तों उनमें से एक नन होती है जिसका नाम होता है भाई सिस्टर मैंडलिना ठीक है। वो नन की फुल है मतलब हेड होती है मतलब हेड होती है नन की ठीक है नंस की है ना। तो फिर दोस्तों उससे क्या होता है यार वो जब देखती है स्कूल के बाहर कि यहाँ पर कोई बच्चा है तो वो उसे ले आती है। लेकिन यार बाकी जितनी भी नंस होती हैं ना वो लोग ना उस नन को देखकर ही डरने लगते हैं जो कि उसके हाथों पर ना डेविल का निशान होता है यार। डैट्स वाई वो लोग ना उससे डरने लगते हैं ठीक है। लेकिन यार जो मेन हेड होती है वो उन्हें अपने बातों से फाइनली समझा ही लेती है कि भाई ये भी हमारी तरह एक इंसान है और हमें भी इसका ख्याल रखना चाहिए। तो दोस्तों इस ऐसे ऐसे ही चलता रहता है। और यार कुछ ही दिनों बाद धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। और फाइनली वो नन बड़ी हो जाती है। वो जब थोड़ी सी बड़ी होती है ठीक है जब वो 8 साल की होती है तो फिर यार उसको क्या होता है ना कि वो उस डेविल के बारे में कितनी पढ़ाई करती है आप सोच भी नहीं सकते हो। वो डेविल के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ती हैं ठीक है क्योंकि भाई उसने वो साइन अपना देख लिया था अपने हाथों पर। और बाकी जो नंस थी वो उसे ये सब अवॉइड कराने की बहुत कोशिश किया लेकिन वो अवॉइड नहीं कर पा रही थी। वो हर रोज़ लाइब्रेरी में जाती और वहाँ से कुछ ना कोई बुक उठा के ज़रूर पढ़ती थी। और
नन रोज उसका मुंह देखता रहती थी कि भाई वो बुक पढ़ रही है, ठीक है, और यार ऐसे ही चलता रहता है, ऐसे ही चलता रहता है। और जब वो नन बड़ी हो जाती है तो फिर क्या होता है, तो फिर वो एक दिन क्या होता है भाई कि वो ना गलती से, यहाँ पर कुछ आप लोगों को दिखाता हूँ, चलो ये जो डोर होता है ना, वो गलती से ना ऐसा लॉक लगा देती है डोर में जिससे वो कभी खुलता ही नहीं है। नंस उसका कोड ही ढूंढते ढूंढते परेशान हो जाती है, लेकिन उसको इस डोर का कोड नहीं मिलता। और ये सिस्टर मैंडलिना का ही रूम होता है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूम होता है सिस्टर मैंडलिना का, और हर एक नन का ये इंपॉर्टेंट रूम होता है। यहाँ से वो अपना काम का सामान लेती हैं और जिसको यहाँ पर सोना है वो यहाँ पर सो जाता है, ठीक है, और यहीं से होता है, ठीक है। तो वो नंस इतनी परेशान हो जाती है, वो मेन हेड से वो वहाँ से कंप्लेन करती है कि भाई किसी ने इसको बंद कर दिया इस डोर को, या हमें मिल नहीं रहा है भाई, इसका कोड पता नहीं कहाँ चला गया है। तो यार वो नन गुस्सा हो जाती है, जिसमें उनका सारा काम का सामान रखा था, जिसमें वो जहाँ से वो पढ़ती थी, जहाँ से वो पढ़ाती थी बुक्स ले करके, वो अब नहीं रहा। और जिसकी वजह से यार उसके मेन हेड को इतना गुस्सा आता है कि यार वो सोच भी नहीं सकता, और यार वो ना नन को स्कूल से निकाल देता है। हाँ, लेकिन जो इवन नन होती है यार, उसको वो ना बहुत ही ज़्यादा मतलब उससे रिक्वेस्ट करती है, भाई भाई मुझे अंदर कर दो यार, मुझे बाहर मत निकालो यार, मुझे स्कूल के बाहर मत निकालो। लेकिन यार फाइनली मेन हेड उसे बाहर निकाल ही देती है, और फिर क्या था, फिर वो स्कूल के छत पर जा कर के वहाँ से जंप लगा देती है, और भाई यहाँ से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यार जब उसकी आत्मा उसकी शरीर से निकल रही होती है तो यार एक वहाँ पे डेविल प्रकट हो जाता है, और डेविल उस आत्मा को निकलने से रोकता है और उसको दे देता है एक हैमर, या दोस्तों एक हैमर, जो जिससे कि ईवल नन हमारा सर फोड़ती है। आज आपको पता ही है, जो लोग ईवल नन प्लेयर्स होंगे वो कई जब जब कोई बन, वो लोग कई बार मरे भी होंगे तो वो कैसे मरे होंगे उनको पता ही होगा। वो लोग मतलब इसी हथौड़े हाथों ही मरे होंगे, ठीक है। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि भाई जो ये हैमर लेके घूमती रहती है, उस दिन से दोस्तों ये ना अपने हैमर को अपने पास ही रखने लगती है, क्योंकि डेविल का दिया हैमर है, ठीक है। और भाई वो हर दिन पूजा करती है, हर रात पूजा करती रहती है, ठीक है। लेकिन भाई अब जब वो बाहर ही निकल चुकी है, उसकी आत्मा जब बाहर निकल जाती है, हाँ, पूजा करती रहती थी, तो अब जब भाई जब उसकी आत्मा बाहर निकल जाती है तो भाई साहब वो नन से अपना बदला, सभी नन से उसको हैमर तो मिले जाता है, अब भाई वो सभी नन से बदला लेने के लिए स्कूल में जाती है, और स्कूल में धीरे धीरे करके सभी नंस को गायब करके मार के एक जगह गाड़ देती है। अब कहाँ गाड़ती है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं सारा का सारा कब्र आपको आपके सामने प्रकट करूँगा, आपको दिखाता हूँ किस साइड में होता है ऐसा, किस साइड नहीं, ये तो हमारा गेम होता है ना, किस साइड है यार दिखा दो भैया, वो जगह, अच्छा हाँ याद आया, वो बाथरूम से आता है ना, रुको यहाँ से होगा, ये रहा जगह, और यहाँ से व्हाट, अरे लगता है मैं पुराना ब्रेड खेल रहा हूँ यार, किस साइड में यार। दोस्तों जो लोग नया अपडेट खेल रहे होंगे ना उनको पता होगा भाई वो इसी साइड सबको गाड़ के रखती है यार, पता नहीं किस साइड यार, मैं तो लगता है पुराना अपडेट खेल रहा हूँ,
मुझे नहीं पता गाइस, दिखा नहीं रहा यार किस साइड गाड़ के रखती है। लेकिन भाई इसका नया अपडेट जो लोग खेल रहे होंगे ना, मैं तो फिलहाल इसका आउटफिट खेल रहा हूँ ताकि मैं सब कुछ आपको बिना डरे सब कुछ दिखा सकूँ। वो ना यहीं पे सबको गाड़ के रखती है। लेकिन भाई मैं पुराना अपडेट खेल रहा हूँ इसलिए मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो ठीक है, इसी तरह से दोस्तों चलता रहता है। और भाई साहब अब एक दिन क्या होता है भाई, सारे बच्चों को छुट्टी मिली होती है कुछ दिनों के लिए। उस वक्त जब सारे नंस की जब डेथ हो जाती है ना, तो उससे पहले सभी बच्चों को छुट्टी दे दी होती है उनको। ये नहीं, वो छुट्टी इसलिए दी होती है ना ताकि वो थोड़ा सा अपना मस्ती वस्ती करके आ जाए। और दोस्तों ना उनका ना समर कैंप आने वाला ही होता है भाई, उनका समर वैकेशन। तो ये नहीं होता है, ठीक है। अब भाई अब देखो, अब उनको ना एक जगह कहीं पार्क कहीं घूमने जाना था। नंस वगैरह बच्चों को अपने साथ ले जाना चाहती थी, थोड़ा सा छुट्टी दी थी उन्होंने नंस ने उससे पहले, ठीक है। लेकिन भाई अब तो सारी नंस मर चुके हैं। तो भाई सारे बच्चे क्या बोल के गई एकदम, उसकी आवाज़ जैसे ही पास पहुँचे एकदम तेज हो गई, अचानक से सामने से डर गया। हाँ तो भाई क्या होता है यार कि सिंपल दोस्तों, उसके बाद भाई सभी बच्चे जो होते हैं वो सब वहाँ पे आ जाते हैं पहले ही, और नन उन्हें पहले ख़त्म करके किडनैप कर लेती हैं, आपको पता है लॉन्ड्री डोर में, ठीक है। लेकिन यार पुराना अपडेट खेल रहा हूँ ना तो लॉन्ड्री डोर इसमें भी नहीं ऐड हुआ है अभी। और भाई सबको किडनैप करके लॉन्ड्री डोर में डाल देती है। और लॉन्ड्री डोर में दोस्तों डालने के बाद दोस्तों सिंपल यार अब वो सभी बच्चे किडनैप हो चुके हैं। और जिन लोगों ने अब तक बलून एस्केप कर लिया होगा उन लोगों को तो दोस्तों पता ही होगा कि उसमें बलून एस्केप में हमें सभी बच्चों को बचाना होता है। तो वो वहीं बच्चे होते हैं। और भाई एक बच्चा होता है जो लेट हो गया होता है, वो कोई और नहीं हम ही होते हैं इस गेम में। वो बच्चा लेट हो गया होता है तो अब उसको पता है यार कि सब लोग हैं, हाँ अभी सब लोग नहीं है यार स्कूल में, अभी कुछ हो गया है स्कूल में, और उसको इस बात की नहीं पता होता है। हाँ तो भाई वो उसे स्कूल में चला जाता है। और यार स्कूल में जाने के बाद अब इस स्कूल में हम लोग फंस चुके हैं यार। अब गाइस ना अब हम लोग इस स्कूल में फंस चुके हैं और भाई अब हमें खुद से स्कूल से बाहर निकलना होगा। सो दोस्तों यार कैसी रही आज की स्टोरी, होप सो गाइस दैट सब थोड़े पसंद आई होगी, इसको लाइक करना एंड गाइस ना चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो भी लोग मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों सब्सक्राइब करें। एंड यार आज का हमारा लाइक टारगेट होता है गाइस, आज का हमारा दोस्तों लाइक टारगेट होता है 5K लाइक्स यार, 60K लाइक्स यार। प्लीज़ गाइस कंप्लीट ज़रूर कर दीजिएगा एंड